भाई यही होता है, दिल्ली में बारिश होगी ना अगर, और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड्स हैं टेढ़ी मेढ़ी, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती रहती है, मतलब बेसिकली कंक्रीट है सारा यहाँ पर, तो भाई बारिश होती नीचे पूरा गंद मच जाता है। मेरी गाड़ी के चारों ओर पानी का पूल जमा हुआ है मस्त, और इतनी मुश्किल से मैं गाड़ी में बैठा, आगे से मैं बैठ ही नहीं सकता था, पीछे से मस्त डाइव वाइव मार के पूरा खेल कूद के आया हूँ मैं। एंड फाइनली पहुँच गया अपनी गाड़ी में। एंड मैं गाड़ी में क्यों आया हूँ, बिकॉज वी हैव टू गो एंड बाय सम एग्स, क्योंकि अंडे खत्म हो गए घर पे और घर का काम मुझे ही करना पड़ता सारा, तो लेट्स गो एंड बाय सम एग्स। यस अबे यार मैं गलत टाइम पे बाहर निकल गया, स्कूल की छुट्टी हो रखी है, ट्रैफिक इतना हो रहा है यार। अबे बीच में गाड़ी खड़ी कर दी भाई, रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करता है क्या, हद हो गई है, क्या होगा इस देश का। फुल चौड़ में मुझे लगा अंदर को बैठा है, मैं हॉर्न मारी आ रहा हूँ, देखा अंदर को है नहीं, बीच में गाड़ी खड़ी करी हुई है। सो गाइस इतने ट्रैफिक से डील करने के बाद आई हैव रीच्ड द प्लेस, आई एम आउटसाइड इजी डे जो बिल्कुल वहाँ पर है, थोड़ा साइड में मैंने गाड़ी खड़ी करी क्योंकि बिल्कुल नीचे नहीं खड़ी रखते, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो आई एम गोना गो इन देयर एंड गेट सम मैक्स, सो लेट्स गो। So guys, I've got my eggs. So guys, these are the eggs जो मैंने अभी भी खरीदे हैं, आप देख सकते हैं पूरे पैक्ड हैं यहाँ पे अच्छे से, कौन से फार्म्स हैं, क्या लिखा हुआ है, कंसल एग्रो फार्म से है ये। So guys, you saw that मैंने इतने efforts मारे, मैं घर से नीचे उतरा फुल कीचड़ को डॉज वॉचर की गाड़ी में बैठा, गाड़ी से फिर इतनी इजी डे गया अंडे लेने, जबकि मेरे घर के नीचे ही एक लोकल स्टोर है, मैं वहां से भी अंडे खरीद सकता था, तो मैंने इतने efforts क्यों मारे, बिकॉज जो लोकल स्टोर से आप अंडे खरीदते हैं जो खुले मिलते हैं कि 6 ले लो 8 ले लो, तो उनकी ना क्वालिटी के लिए आप कभी भी एक मतलब अश्योर्ड नहीं रह सकते, आपको नहीं पता वो कहाँ से आ रहे हैं, वो मुर्गी को क्या इंजेक्शन देके या फिर मुर्गी को कैसा खाना खिलाया जाता था, क्योंकि जितना अच्छे से मुर्गी को रखा जाएगा उसको फीड किया जाएगा उतना ही न्यूट्रिशियस उसका अंडा होगा और उसके उतने ही बेनिफिट्स आपको अंडा खा के मिलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो यू कैन नॉट, यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट दिस, लेकिन जो ये पैक्ड एग्स होते हैं इसमें ये अप्रूव्ड होते हैं, FSSAI अप्रूव्ड होते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको शॉर्ट में FSSAI कहते हैं, प्लस इसमें कौन से फार्म से आ रहे हैं उसका नाम लिखा होता है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है अंडों की, तो इसमें आपको एक अश्योरेंस रहती है, आप कह सकते हो कि भाई चल अंडे जो आ रहे हैं वो एक अच्छे सोर्स से आ रहे हैं, एक फार्म से आ रहे हैं जहाँ पे होपफुली मुर्गी को अच्छे से रखा गया हो, मतलब अच्छे से फीड किया गया हो। एंड कुछ ये मैंने लास्ट वीडियो में जब अपने चिकन के बारे में बताया था, कुछ लोग कह रहे थे भाई आपको क्या पता उनको अच्छे से रखा जा रहा है कि अच्छे से फीड किया जा रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, बट बींग अ नॉर्मल गाय, नॉर्मल घर का बंदा एक बोलेगा ना कि अगर उसको दो ऑप्शन है, खुले अंडे लेने और पैक लेने जिसमें शायद क्वालिटी अश्योर्ड है, तो आप ऑब्वियसली बोल लोगे ना। और ऑनेस्टली बता दो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 से 20 रुपए का डिफरेंस हो गया, 10-20 रुपए महंगे होंगे, दैट्स इट। सो प्राइस का मैं देखूँ 10-20 रुपए का फर्क है और मुझे एक जो महंगा वाला है 10-20 रुपए महंगा है उसमें ज़्यादा एक अश्योरेंस मिल रही है क्वालिटी के लिए, तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर दैट। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज गो ऑल द वे टू इजी डे या फिर ये मोर, जितने भी बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर होते हैं मैं इन स्टोर्स में जाता हूँ टू बाय माई एग्स एंड चिकन। हाँ सो गाइस आई एम इन अ पार्क एंड मैं पिछले 10 मिनट से आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ गुड इनफ प्लेस जहाँ पे मैं बैठ के आराम से रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, दिन के 3 बज रहे हैं फिर भी, बट फाइनली आई फाउंड अ प्लेस। सो देर इज़ समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट। परसों मुझे एक अपने फॉलोअर का, अपने सब्सक्राइबर का DM आया इंस्टाग्राम पे एंड ही वॉज लाइक
मोहित ब्रो आई लव योर वीडियोज, आई सेड ओके थैंक यू सो मच ब्रो, एंड ही टोल्ड मी कि ब्रो आई एम ऑल्सो क्विटिंग माई जॉब एंड ट्राइंग आई विल ऑल्सो परस्यू माई करियर इन फिटनेस, एंड आगे एक स्माइली थी, मतलब एज इफ दिस इज समथिंग कि उसे लगा कि आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू हेयर अबाउट, एंड मुझे बड़ी खुशी होगी कि पीपल आर फॉलोइंग माई फुट स्टेप्स, और जो मैंने किया लोग भी वो फॉलो करेंगे. सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आप लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ मेरे वीडियो से ग्रास्प कर ली कि आई क्विट माई जॉब एंड आई एम ट्राइंग टू परस्यू माई करियर इन फिटनेस, पर आप लोगों ने मेरी वीडियो से ये नहीं देखा कि दैट आई हैव बीन डूइंग यूट्यूब सिंस पास्ट 3 years. मैंने अपने जॉब के साथ 2 साल मैंने जॉब करी, उसके साथ भी आई वॉज कंटिन्यूइंग विद माई यूट्यूब, एंड मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट था. मैं सुबह उठता था 6:30 बजे 7 बजे जिम के लिए निकला, 9:30 घर आया, मेरे पास 9:30 घर आया, मेरे 20-25 मिनट होते तैयार निकले, फटाफट शेक पिया, तैयार हुआ, ऑफिस गया, कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस लाइक 9:30, अपना डिनर वगैरह करा, रात को अपनी वीडियोज़ एडिट करी, स्क्रिप्ट करा कि अगली वीडियो क्या करना है, मतलब टॉपिक सोचा. सो ऑल दीज थिंग्स वर इन माई माइंड एंड आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ट्राइंग टू मेक इट वर्क. उसके बाद व्हेन आई बिलीव कि मेरी ऑडियंस, आई हैव अ डिसेंट ऑडियंस नाउ दैट आई वर्क सो हार्ड, मैंने एक डिसेंट ऑडियंस दी है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, देन आई थॉट लेट्स क्विट माई जॉब. इट वॉज अ रिस्क बट इट वॉज अ कैलकुलेटेड रिस्क. आई बिल्ट एन ऑडियंस, मैंने एक ऑडियंस अपने यूट्यूब पे बनाई, जितनी भी है आई एम प्राउड ऑफ इट, जितनी भी है मैंने बनाई यूट्यूब पे, मैंने इंस्टाग्राम पे बनाई, देन आई थॉट ठीक है आई हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल एज माई सब्सक्राइबर्स एज माई फॉलोअर्स, एंड नाउ आई थिंक आई कैन यू नो परस्यू माई करियर इन फिटनेस इन टर्म्स ऑफ बींग न्यूट्रिशनिस्ट, इन टर्म्स ऑफ बींग अ पर्सनल ट्रेनर, ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर, वट एवर, और अ यूट्यूबर. सो मेरा जो रिस्क था एक कैलकुलेटेड रिस्क था. रिस्क तो ऑब्वियसली है, अभी आई एम स्टिल ट्राइंग टू परस्यू, मैंने कोई अपना करियर सेट नहीं कर लिया, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू परस्यू, लेकिन वो एक रिस्क कैलकुलेटेड था. बट पीपल आर लुकिंग एट मी एंड दे आर लाइक भाई आपने किया तो हम भी करेंगे, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा आप कौन सा कोर्स कर रहे हो. सो फॉर दैट मैटर आई एम डूइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स फ्रॉम AFPA, अमेरिकन फिटनेस प्रोफेशनल्स एंड एसोसिएट्स. ऐसे बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हो. माइन इज़ ऑनलाइन कोर्स. बट कोर्स के बाद क्या, आप ठीक है 6-8 महीने बाद आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन गए, उसके बाद क्या, हाउ विल यू अर्न योर ब्रेड एंड बटर, हाउ आर यू प्लानिंग टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर. आप मेरे फुट स्टेप्स फॉलो कर रहे हो सो आपके मन में कुछ खुद का प्लान तो होना चाहिए ना. सो फॉर मी आई एम गिविंग, बाय द वे आई स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है. आई एम वर्किंग विद 5-6 पीपल एज ऑफ नाउ, बट ऑब्वियसली आई विल एक्सपैंड. आई एम डूइंग माई यूट्यूब, आई हैव स्पॉन्सर्स, कपल ऑफ स्पॉन्सर्स, सो दीज आर माई लाइक अर्निंग सोर्सेज टिल नाउ, एंड आई एम मेकिंग डिसेंट मनी, इतना कि यू नो आई कैन स्पेंड ऑन माई सेल्फ, मैं अपने खर्चे उठा सकता हूँ. सो जो मैं ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही सोच ली थी अपनी जॉब क्विट करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले. सो माई पॉइंट टू ईच एंड एवरी पर्सन जो भी मेरे को देख के दे टोल्ड मी कि हमने जॉब क्विट करनी है, तो आपने क्या ये सारे पॉइंट सोचे हैं? अगर आपने न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर भी लिया, उसके बाद हाउ आर यू प्लानिंग टू गेट द क्लाइंट्स, आपके पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे, जो आपको पे करेंगे वो आपके पास कैसे आएंगे, ये आपने सोचा है? ऐसा नहीं है ना कि आप न्यूट्रिशन का कोर्स कर लिया उसके बाद रेडा लेके 20 रुपये डाइट प्लान, 30 रुपये डाइट प्लान, ऐसा तो नहीं है ना भाई. लोग आपके पास क्यों आएंगे? क्या आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है? सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्रेनिंग, हाउ मेनी फॉलोअर्स, या हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव ऑन योर इंस्टाग्राम, हाउ मेनी लाइक सब्सक्राइबर्स डू यू हैव ऑन योर यूट्यूब, तो आपके पास वो ऑडियंस वो आएगी कहाँ से? सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू थिंक बिफोर यू टेक अ बिग डिसीजन. ऑब्वियसली क्विटिंग योर जॉब इज़ अ बिग डिसीजन, एंड मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए, इसलिए मैंने आज सुबह एक मैसेज पढ़ा है, आज दिन में वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड ये वीडियो मैं आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, सॉरी, बट जस्ट थिंक अबाउट इट. एंड इफ यू वॉन्ट टू परस्यू योर करियर लाइक आई एम ट्राइंग टू, मेरा हुआ नहीं है अभी, आई एम नॉट सेटल इन दिस, आई एम ट्राइंग टू. अगर आपको भी ट्राई करना है, फर्स्ट बिफोर यू टेक सच अ बिग डिसीजन, ट्राई टू बिल्ड योर ऑडियंस, ट्राई टू बिल्ड योर इंस्टाग्राम, ट्राई टू बिल्ड योर यूट्यूब, एंड दैट मतलब वहाँ से आपको ऑडियंस मिलेगी. अदरवाइज आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो देन यू कैन डू ऑफलाइन, आई मीन यू कैन बी अ जिम ट्रेनर. आप जिम में आप आराम से यू कैन अर्न गुड मनी, आप ट्रेनर बन जाओ, सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाओ, उसमें आप न्यूट्रिशनिस्ट भी बन जाओ, आप डाइट प्लान लोगों को प्रोवाइड, वहाँ भी आप यू कैन अर्न डिसेंट मनी. बट आप ये मत सोचना कि जस्ट बिकॉज यू हैव डन योर न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स, हाँ भाई बरसात होएगी क्लाइंट्स की, आपका पैसा ही पैसा आ जाएगा. दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. ऐसा वहाँ कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होती कि आपने कोर्स कर लिया तो आपको क्लाइंट्स दे रहे हैं. ऐसा जैसे अपने कॉलेज में होता है, वैसे अपने कॉलेज में खैर होता ही नहीं था मस्त, बट स्टिल आपका ऐसा नहीं होगा. सो यू हैव टू थिंक बिफोर यू टेक सच अ बिग डिसीजन, एंड दैट्स प्रीटी मच इट जो मुझे कन्वे करना था.
एंड बाय द वे इस वीडियो के बहाने मुझे इतनी अच्छी लोकेशन मिल गई है, दिन के टाइम में जो कि खाली होती है, आई कैन कम हेयर एंड शूट वीडियोज, सच अ नाइस प्लेस। एंड बाय द वे आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कैमरा राइट नाउ, तो बताना कि आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, सेम लगी या पता नहीं लगा, सब कुछ बताना। सो आई थिंक विद दिस आई एम गोना एंड दिस वीडियो, दिस इज अ शॉर्ट वीडियो आई सपोज, मुझे पता नहीं ऐसे कितना टाइम हो गया, बट दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, जस्ट वॉन्ट टू मेक सम पॉइंट्स क्लियर एंड सॉरी इसमें ज़्यादा वीडियो में ज़्यादा मस्ती वगैरह नहीं थी, बट दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, आई बिलीव दैट दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, सो बाय, टेक केयर, दिस इज मोहित बेस्ट, आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो।